हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक नया लेक्चर और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि होगा कॉन्सेंट्रिक शेल्स, कॉन्सेंट्रिक शेल्स की वजह से पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रिक शेल पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे सवाल। अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि ये टॉपिक बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आज का जो टॉपिक है वो जेई मेंस नीट यानी कंपटीशन के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में यहाँ से जल्दी सवाल नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक ऐसा है कि मैंने हर साल देखा है कोचिंग में बच्चे भी कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है। ये टॉपिक शायद आप भी कन्फ्यूज हो इसमें कि तीन शेल्स ली, खोखले स्फीयर्स कॉन्सेंट्रिक जिनका सेंटर सेम हो, और किसी एक की अर्थिंग कर दी, फिर पूछा डिफरेंट शेल्स पे क्या चार्ज है, ठीक है। या एक बार पढ़ा था भूल जाते हैं टॉपिक, ऐसा लगता है। कई बार ये पूछता है कि शेल के इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज होगा, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जैसे मान लो एक शेल पे बोल दिया कि 5 कूलम का चार्ज है, तो उसमें से कितना उसके अंदर वाले सरफेस पे, कितना बाहर वाले सरफेस पे। तो टफ अफ नहीं होता है, इसको करने की एक अप्रोच होती है, उस अप्रोच को हम इस वीडियो में बता रहे हैं, उसको एकदम स्ट्रेट एकदम फॉलो करना जो अप्रोच बता रहे हैं, और जो सीक्वेंस बताएं अप्रोच का उस सीक्वेंस से फॉलो करना, फिर इस तरह के सवाल तुमको इजी लगेंगे। अभी बैठ के कोई प्रीवियस ईयर का सवाल भी उठा लेना हो जाएगा। स्टार्ट किया जाए। अच्छा, ये लेक्चर बेस्ड है पिछले लेक्चर पे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 04 पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड शेल, हमने शेल्स की वजह से पोटेंशियल निकालना सिखा दिया है, बट आज कंसेंट्रिक शेल की बात करने जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करके सर्च करेंगे क्या पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर्स एंड शेल फिजिक्स वाला। अब उतना भी समय नहीं है तो हम यहाँ पे जल्दी से कोशिश करेंगे उस चीज़ को समराइज करके आपको बता दें, ठीक है। तो बढ़िया लेक्चर होने वाला है, पेन कॉपी निकाल लो, तैयार हो जाओ। माय नेम इज़ अलख पांडे, दिस इज़ योर खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स वाला। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास एक शेल हो, शेल समझते हैं ना, खोखला स्फीयर, मैं स्फीयर भी बोलूंगा तो टेंशन मत लेना, एक शेल हो और इसके ऊपर मान लो क्यू चार्ज गिवन है। अब क्यू चार्ज इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और मान लेंगे यूनिफॉर्मली है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम मानेंगे यूनिफॉर्म हर जगह बराबर से, शेल में वैसे भी यूनिफॉर्म कई केस आता है। और मान लेते हैं शेल का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। अब हमें दो जगह पोटेंशियल निकालना आना चाहिए, एक आउटसाइड द शेल, एक इनसाइड। तो अगर हम आउटसाइड द शेल पोटेंशियल निकालें और हम इनसाइड द सेल पोटेंशियल निकालें तो कितना होगा, ठीक है। देखो, आउटसाइड का जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, के 1/4πε0, क्यू तो चार्ज हो गया, आर हो गया सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, सेंटर से बाहर वाले पॉइंट का डिस्टेंस, इसको आर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर रहेगा ये, ठीक है ना। मतलब ये बात समझ लो कि जो बाहर का पोटेंशियल है वो स्मॉल आर पे डिपेंड करता है ना, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, क्लियर। मतलब ये पोटेंशियल हमारा वेरिएबल है और आर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्फीयर या ड्यू टू दिस शेल आउटसाइड द शेल इज के क्यू बाई स्मॉल आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ शेल। ध्यान से समझ लो, यही सब चीजें अप्लाई करनी है वरना बाद में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इनसाइड द सेल पोटेंशियल होगा के क्यू बाय कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर कॉन्स्टेंट, चार्ज भी फिक्स्ड है ना, के भी एक कॉन्स्टेंट है। मतलब इनसाइड अगर यहां पे हो या यहां पे हो या यहां पे हो, यहां पे हो, यहां, यहां कहीं पे भी हो, इनसाइड हर जगह पोटेंशियल के क्यू बाई आर, यानी अंदर इस बात पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता कि सेंटर से कितना दूर या कितना पास। तो दिस पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और यही पोटेंशियल सरफेस पे भी होता है, इनसाइड बोले या सरफेस पे बोले, सरफेस पे भी सेम है ना। यहाँ पे देखो सरफेस वाला पॉइंट जस्ट यहाँ पे, अब चाहे इसको इनसाइड से निकालो चाहे आउटसाइड से, इनसाइड से निकालोगे तो के क्यू बाई आर आ जाएगा, आउटसाइड से निकालोगे तो आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सरफेस का डिस्टेंस सेंटर से कितना हो जाएगा कैपिटल आर, तो वहां से भी के क्यू बाई आर, तो सरफेस का पोटेंशियल भी के क्यू बाई कैपिटल आर, चाहे उसको इनसाइड से समझ लो चाहे। तो इतना याद रखना कि किसी शेल की वजह से उसके अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर, आर इज द रेडियस ऑफ शेल, और आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर, आर इज द डिस्टेंस। चलो सवाल ले लेते हैं।
ना, तुमको लग रहा है समझ में आ गया। पहले बहुत आसान, बहुत हलवा सवाल लेंगे, ठीक है, धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। तो मान लो यहाँ पे हम दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स लिए जिनका सेंटर सेम है, इस शेल को ए बोला, इस शेल को बी बोला, इस पे चार्ज हो गया क्यू ए, इस पे चार्ज हो गया क्यू बी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। हमने बोला इस शेल का रेडियस है आर ए, इस शेल का रेडियस है आर बी, दीज बोथ आर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, आर ए एंड आर बी। हमसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, ऑन द सरफेसेस ऑफ शेल ए एंड बी, ए और बी के सरफेस पे पोटेंशियल निकालो। तो ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में मैं करा चुका हूँ, एक बार जरा आप ट्राई कर लो, पहले पॉज करके इतना सुन लो। जब ए के सरफेस पे पोटेंशियल निकालोगे, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ शेल ए, ए के सरफेस पे जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्यू ए की वजह से भी होगा और क्यू बी की वजह से भी होगा। इसी तरह से जब बी के सरफेस पे, कहीं पे भी बी के सरफेस, कहीं भी, यहां कहीं भी निकाल लो, बी के सरफेस पे जब पोटेंशियल निकालोगे तो वो क्यू बी की वजह से भी होगा और क्यू ए की वजह से भी। जरा जल्दी से करें इसको, हो गया, पॉज करके ट्राई कर लें, हो गया। चलिए बात करते हैं पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए। तो ए का पोटेंशियल दो बार लिख लिया मैंने, वी ए वी ए, क्यों? एक ए के सरफेस पे पोटेंशियल होगा क्यू ए की वजह से, तो पहला ड्यू टू क्यू ए, और एक होगा क्यू बी की वजह से, ड्यू टू क्यू बी, इस चार्ज की वजह से। क्यू ए को देखो तो क्यू ए मतलब, या ए वाली शेल के लिए अगर देखो तो ए पॉइंट सरफेस का पॉइंट है, तो हम बोल देंगे सरफेस का पॉइंट है, चलो ठीक है, सरफेस का पॉइंट है, बहुत बढ़िया। क्यू बी के लिए बात करो तो ए पॉइंट एक कैसा पॉइंट है, क्यूबी के लिए ए पॉइंट कैसा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो हम बोल देंगे इनसाइड पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाद में जल्दी जल्दी करेंगे, पहले इस तरह से। तो क्यूए के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यूए अपॉन आर ए, बोलो सरफेस पे ए पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई आर, यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू ए बाई आर ए, और यहां पे एक पोटेंशियल इसकी वजह से भी बनेगा, इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पे क्यू बी की वजह से पोटेंशियल होगा के क्यू बी बाई आर बी। बोलो समझ में आया भैया, क्यू बी के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, यानी बी शेल के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे, तो उस पे बी की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बी बाई आर बी, है कि नहीं? इस शेल के अंदर कोई भी पॉइंट लोगे तो इस शेल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई रेडियस ऑफ शेल, तो बी की वजह से कितना हो गया, के क्यू बी बाई आर बी। तो ये जो टर्म आया ये क्यू बी की वजह से आया, और ये जो टर्म आया वो क्यू ए की वजह से आया, दिस विल बी द पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, आसान है। पोटेंशियल एट पॉइंट बी की बात कर लें, कहाँ की बात करनी है, सरफेस की, तो ये भी दो की वजह से होगा, वी बी, वी बी दो बार लिख दिया, एक वी बी यहाँ पे देख लो, कहीं भी ले लो सरफेस पे, एक यहाँ पे पोटेंशियल होगा क्यू बी की वजह से ड्यू टू क्यू बी, और एक होगा क्यू ए की वजह से ड्यू टू क्यू ए। अब ड्यू टू क्यू बी, क्यू बी के लिए ये पॉइंट कहां पे है, सरफेस, और ड्यू टू क्यू ए, क्यू ए के लिए ये पॉइंट कहां पे है, अब बी के सरफेस में निकालना है, तो क्यू ए के लिए पॉइंट कहां हो गया, आउटसाइड, तो आउटसाइड पॉइंट। बोलो आ रहा, जरा बताओ क्या आएगा, एक बार सोच के अपने आप लिखो पहले, फिर हम बताएं, सोच के लिखो इस बार आराम से, सोच के अपने आप लिखो पॉज करके। चलो ड्यू टू क्यू बी, तो क्यू बी की वजह से हो जाएगा के क्यू बी बाई आर बी, क्योंकि सरफेस पॉइंट है। ड्यू टू क्यू ए, क्यू ए के लिए आउटसाइड पॉइंट, तो के क्यू ए अपॉन स्मॉल आर, बोलो सही है, आउटसाइड के लिए के क्यू बाई स्मॉल आर। अब क्यू ए के लिए ये पॉइंट कितना दूर हुआ, आर बी दूर हुआ, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आर बी। बोलो समझ में आ रहा, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं सब। QA के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, आउटसाइड, आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाई स्मॉल आर। अब यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर बी, तो के क्यू ए बाई आर बी। देखो डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, यहां दोनों नीचे आर बी हो गया, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी बात। एक सवाल मैं आपको देता हूं अब इसी कॉन्सेप्ट पे, इसको नोट कर लो, एक सवाल में हम कुछ वैल्यूज वगैरह दे देते हैं तो आप आंसर निकाल के दिखाओ। मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, चलिए ये चीज आपको आ जाएगी, तभी हम आगे के अच्छे अच्छे कंसेप्ट आज के ले पाएंगे।
चलिए एक सवाल और करेंगे, उसके बाद ही हम मानेंगे कि आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। एक शेल, दो शेल, तीन शेल, चलो मैंने तीन शेल ले ली इस बार, ठीक है। नाम वही है ए बी सी, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस टू आर, इसका रेडियस फोर आर, ठीक है, आर टू आर फोर आर। इस पे चार्ज हमसे बोल दिया क्यू, इस पे चार्ज बोल दिया टू क्यू, इस पे चार्ज बोल दिया फोर क्यू, क्यू टू क्यू फोर क्यू। फाइंड पोटेंशियल ऑन सरफेसेस ऑफ, कोई भी एक ले लो अपने आप कंसेप्ट क्लियर, सरफेसेस ऑफ बी, ऑफ शेल बी एंड सी। चलो इसी में कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। तो अपने आप ए का भी निकाल लेना, घर पे बैठ के खाली बैठे हो कर लेना, हम बी एंड सी का निकाल लेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो पॉज करके एक बार ट्राई करो पहले। तीनों शेल की वजह से पोटेंशियल होगा हर जगह। अब कौन सा पॉइंट आउटसाइड, किसके लिए इनसाइड, ये सोचना। चले करें हम, पॉज करके कर लो एक बार। चलो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी, बी की बात कर ले पहले। तो बी पे पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। तो पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, एक ए की वजह से ड्यू टू ए, एक बी की वजह से ड्यू टू बी, एक सी की वजह से ड्यू टू सी। बोलो समझ में आया। मैंने पोटेंशियल ऑन बी जब निकालना चाहा तो मुझको रियलाइज हुआ कि बी के सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले, जैसे यहां ले लिया, यहां पे पोटेंशियल ए की वजह से भी होगा, सी की वजह से भी होगा, बी की वजह से, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। ड्यू टू ए की बात करें तो ए के लिए कैसा पॉइंट होगा, आउटसाइड। बी के लिए कैसा पॉइंट होगा, सरफेस। सी के लिए कैसा पॉइंट होगा, इनसाइड। बोलो क्लियर है। अब ड्यू टू ए आउटसाइड, तो आउटसाइड के लिए के क्यू, इस पे चार्ज हो गया अपॉन स्मॉल आर, तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू आर। बोलो सही है। ए के लिए ये पॉइंट कैसा, आउटसाइड, तो के क्यू बाई डिस्टेंस रखते हैं, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टू आर। बी के लिए सरफेस पॉइंट, तो के चार्ज कितना है, टू क्यू, रेडियस ऑफ बी कितना है, टू आर। प्लस सी के लिए, ड्यू टू सी, सी के लिए ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, इनसाइड। इनसाइड क्या हो जाता है, कॉन्स्टेंट हो जाता है। के चार्ज कितना, फोर क्यू अपॉन रेडियस ऑफ सी, और सी का रेडियस कितना है, फोर आर। बोलो आया कि नहीं आया भाई। अरे यार, सी की वजह से उसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, के इंटू सी का चार्ज कितना है, फोर क्यू अपॉन सी का रेडियस फोर आर, हर जगह यही रहेगा। पर वो सिर्फ सी की वजह से, बी पे तो सी की वजह से भी होगा, ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। तो दिस इज द टोटल पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। अब जो भी वैल्यू आए निकाल लो, के आर, के आर, के आर कॉमन हो जाएगा, के आर, के आर, के आर कॉमन हो गया, तो क्यू बाई टू प्लस क्यू प्लस क्यू। बोलो सही है, यही होगा, फोर क्यू अपॉन फोर आर, फोर फोर कैंसिल, टू टू क्यू, फोर फोर कैंसिल, टू टू कैंसिल, तो के बाई आर कॉमन हुआ, क्यू बाई टू क्यू क्यू, सो के बाई आर ये हो गया दो क्यू, और ये आधा 2.5, यानी 5q बाई टू, दिस इज द आंसर। बोलो सही है, ढाई क्यू, दो और ढाई, 5q बाई टू। दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी। पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी बताओ, आप डायरेक्टली किया जाए, सी के सरफेस पे पोटेंशियल किसके, इसकी वजह से होगा, सी सी सी, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी। चलो अपने आप, ए के लिए कैसा पॉइंट हो गया, आउटसाइड, तो के क्यू बाई डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस कितना है, फोर आर। बोलो सही है। बी के लिए कैसा पॉइंट है, सी के लिए, सी वाला, बी के लिए कैसा पॉइंट है, आउटसाइड, तो के चार्ज कितना है, 2q अपॉन डिस्टेंस, तो बी से कितना डिस्टेंस है, 4r ही होगा भैया, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं शेल के। फिर सी के लिए, सी के लिए पॉइंट कहां पे है, सरफेस का पॉइंट है, सरफेस पॉइंट के लिए के चार्ज कितना है, 4q अपॉन रेडियस 4r। ये रेडियस नहीं है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, वो रेडियस कहते हैं। वी सी पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी ड्यू टू सी, तो सी के लिए पॉइंट कहां पे है, सरफेस, तो के इनटू चार्ज अपॉन रेडियस, यहां के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, यहाँ के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। सो दिस इज द होल थिंग दैट यू आर गेटिंग। यहाँ से के आर कॉमन हो जाएगा, क्यू बाई फोर, क्यू बाई टू प्लस क्यू, के बाई आर कॉमन, क्यू बाई फोर, क्यू बाई टू प्लस क्यू, यानी
1.75 यानी 5q/4 बोलो सही है 4 1s 4 2s 8 20 नहीं कितना होगा ये k by r कॉमन कैलकुलेशन है यार कर सकते हो q by 4 q by 2 plus q तो LCM हो गया 4 ये रह जाएगा q ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा 4q 4 2 6 7q by 4 4 4 34 7 7q/4 ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी और वो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी क्लियर है ये चीज अब आगे कैसे कैसे निकाल रहे हैं अब इसका मैं एक अच्छा सवाल ले लूं अर्थिंग की बात करना स्टार्ट करें मिटा दें इसको बहुत बढ़िया अब देखो अर्थिंग वगैरह को कैसे डील करना है देखो अर्थिंग का मतलब क्या होता है पहले लिखो अर्थिंग अर्थिंग का मतलब होता है किसी चीज को अर्थ से कनेक्ट कर देना है ना कनेक्ट एनी कंडक्टर टू अर्थ अब भैया अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट माना जाता है ना ना अर्थ पॉजिटिव पोटेंशियल है ना नेगेटिव 0 वोल्ट अर्थ को माना गया है ठीक है एजम्पशन है हमारा एक ये अर्थ को किस पे माना गया 0 वोल्ट पे तो तुम किसी भी चीज को किसी भी चीज को किसी भी कंडक्टर को किसी भी चीज को अगर अर्थ से कनेक्ट कर दोगे ये अर्थिंग का साइन होता है ना तो हम मान लेंगे इसका पोटेंशियल कितना हो गया 0 वोल्ट तो एनी कंडक्टर कनेक्टेड टू अर्थ पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर बिकम्स इक्वल टू 0 याद रखना जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा क्या उस कंडक्टर पे चार्ज भी 0 होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है ऐसा कहीं नहीं लिखा है चार्ज नीड्स नॉट टू बी 0 समझो कहोगे सर चार्ज नहीं 0 है फिर भी पोटेंशियल 0 तो भाई पोटेंशियल तो किसी कंडक्टर पे अपनी वजह से भी बनता है और अगल बगल की वजह से भी बनता है तो हो सकता है अपनी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल बने अगल बगल की वजह से नेगेटिव बने 0 हो सकता है ना चार्ज नीड्स नॉट टू बी 0 याद रखना कई बच्चे क्या करते हैं अब चार ऑप्शन होते हैं बोलता है इसको अर्थ कर दिया जैसे सवाल कैसे आया मान लो सवाल आया ये 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 ठीक है मान लो बोल दिया यहाँ चार्ज q है यहाँ चार्ज 2q है ये रेडियस r है ये रेडियस 2r है ये रेडियस 4r है इन्होंने बोला बीच वाली शेल को हमने अर्थ कर दिया सवाल बड़ा पॉपुलर सवाल तीन शेल है a b c इस पे चार्ज q दिया अभी कराएंगे इस पे कोई चार्ज नहीं दिया इस पे 2q दिया और बीच वाली को अर्थ कर दिया फिर पूछा कि बी शेल के लिए बताओ क्या क्या होगा पोटेंशियल ऑफ बी इज 0 चार्ज ऑफ बी इज 0 ठीक है दूसरा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ बी इज 0 चार्ज ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 तीसरा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 चार्ज ऑन बी इज 0 समझ रहे हो चौथा ऑप्शन पोटेंशियल ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 चार्ज ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 अब बच्चा क्या मार के आता है इसमें ये वाला मार के आता है क्योंकि उसको लगता है अर्थ का मतलब सारा चार्ज फ्लो कर जाएगा बात ये सच्चाई भी है अर्थ का मतलब होता है सारा चार्ज फ्लो कर जाता है अगर ये कंडक्टर या ये शेल अकेली होती ठीक है तब ऐसा होता अभी नहीं होगा अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर अर्थ से कनेक्ट किया तो इसका मतलब पोटेंशियल 0 हो जाएगा उस कंडक्टर का जो अर्थ से कनेक्ट हुआ जोड़ोगे तो दोनों किस पे आ जाएंगे ऑन द सेम पोटेंशियल यही वाला सवाल किया जाए नोट कर लो इतना याद रखना ये बात ठीक है अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मत करना वो सब बाद में करेंगे इनर शेल आउटर शेल पहले ये कर लो मिटा रहे आओ यही सवाल देते हैं आपको कहोगे सर हम तो तुरंत मार देंगे अब अरे रुको ना मैं वैल्यू पूछूंगा तुमसे ये सर मुझे तो पता चल गया वी बी इज 0 एंड क्यू बी इज नॉट इक्वल टू 0 चार्ज उस पर होगा अरे रुक जा सवाल क्या है मेरे पास 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं ए बी सी ए पे हमने चार्ज दिया Q, B पे हमने कोई चार्ज नहीं दिया और C पे चार्ज दिया 2Q. A का रेडियस है R, B का रेडियस 2R और C का रेडियस 4R. R, 2R, 4R. ठीक है ना? R, 2R, 4R.
अब हमसे कहा कि इन्होंने बी वाली शेल की अर्थिंग कर दी, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। हमसे पूछा आफ्टर अर्थिंग शेल बी फाइंड चार्ज ऑन शेल बी, हो जाना चाहिए आपसे। मैं ऑप्शन दे देता हूं, चलिए आपको चार ट्राई करो, माइनस टू क्यू, माइनस फोर क्यू, माइनस सिक्स क्यू, माइनस एट क्यू, फाइंड चार्ज ऑन शेल बी। अरे नेगेटिव ही तो होगा चार्ज, तभी तो इस पे टोटल पोटेंशियल जीरो होगा। अरे सोचो ना, अब रख के देख रहे हैं कई लोग, चलो रख के देख लेते हैं है? हो गया डन, पॉज करके ट्राई कर लो। क्या कंसेप्ट लगाओगे? एक ही कंसेप्ट है, दैट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी विल बी जीरो, बी के सरफेस पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। मान लेते हैं बी को हमने चार्ज क्यू होगा, है ना, मान लेते हैं बी पे चार्ज क्यू हुआ, है ना, ये पूछा आप फाइंड चार्ज ऑन शेल बी, तो मान लेते हैं बी के सरफेस पे चार्ज स्मॉल क्यू है, हमने कुछ नहीं दिया, कहीं से चार्ज पहुंच जाता है, चार्ज कैसे पहुंचता है अभी आगे सीखोगे, ठीक है, इंडक्शन होता है, चार्ज वहाँ पहुँचता है, अभी सीखोगे कैसे चार्ज ऐसे ऐसे इधर उधर चला जाता है बिना छुए। खैर, बी के सरफेस पे चार्ज मान लिया स्मॉल क्यू, हमें पता है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, पोटेंशियल ऑन बी, किसकी वजह से, ड्यू टू ए, ड्यू टू बी, ड्यू टू सी, बोलो सही है। ए के लिए अगर देखें तो बी वाला एक आउटसाइड पॉइंट है, बी के लिए देखें तो बी वाला सरफेस का पॉइंट है, और सी के लिए देखें तो बी वाला इनसाइड पॉइंट है। तो ए के लिए बात करें तो के इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2r, बी के लिए देखें तो सरफेस का पॉइंट तो के क्यू अपॉन रेडियस, सी के लिए देखें तो इनसाइड पॉइंट तो के और चार्ज कितना है 2q, सी के लिए इनसाइड तो इनसाइड के लिए के क्यू अपॉन रेडियस, चार्ज कितना है 2q और रेडियस कितना है 4r, तो आइए देखें यहां से क्या हो जाएगा, के बड़े आर को कॉमन ले लो तो क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू, क्या बात है ना, तो टू भी कॉमन हो जाएगा और ये सारा पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के, तो जीरो इज इक्वल्स टू के बाई आर भी इधर आके जीरो हो जाएगा, टू 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 भी जीरो हो जाएगा, टू क्यू प्लस क्यू अपन टू भी इधर जाके जीरो, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस टू क्यू, आंसर बोलो सही आ गया। अरे इस पर नेगेटिव चार्ज होगा तभी तो बाकी के पोटेंशियल को कैंसिल करेगा, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल बनेगा के क्यू बाई टू आर, इसकी वजह से कितना के टू क्यू बाई फोर आर, बोलो सही है हा? आ रहा है के क्यू बाई टू आर, के टू बाई के क्यू बाई कैंसिल नहीं आया। बी पे हमने चार्ज स्मॉल क्यू मान लिया, बी की वजह से पोटेंशियल ऑन द सर्फेस के क्यू अपॉन रेडियस, फिर हमने k बाई आर कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, सब इधर जाके जीरो हो गया, पोटेंशियल ऑन बी जीरो रखना है, q इज इक्वल टू माइनस टू क्यू, क्लियर है, आ गई ये चीज, अर्थिंग वाली चीज क्लियर हो गई। अभी अर्थिंग का एक सवाल और कराएंगे लास्ट में, और उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्लूड करेंगे कि भाई इसके इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस टू क्यू टोटल चार्ज है, इनर पे कितना आउटर पे कितना, ये भी करेंगे, पहले इतना नोट कर लो, मिटा दें, ओके। तो अर्थिंग की कहानी आप समझ गए कि जिस भी स्फीयर या शेल को अर्थ करे उस पर टोटल पोटेंशियल निकाल के इक्वल टू जीरो कर दो, जो भी वेरिएबल गायब होगा वो निकल आएगा, हो सकता हो ए का चार्ज गायब कर देता, ध्यान से सुनो, जो ही नहीं कि बी का गायब कर, हो सकता हो ए का गायब करता, तब भी इक्वेशन बना के इक्वल टू जीरो करते ए का चार्ज आ जाता, हो सकता हो सी का चार्ज गायब कर देता, सी के चार्ज को एक्स मान लेते या क्यू मान लेते स्मॉल, फिर पोटेंशियल ऑन बी निकाल के इक्वल टू जीरो कर देते, किसी भी शेल का चार्ज गायब कर सकता है और किसी का भी अर्थिंग कर सकता है, जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल जीरो, लिख लो जहां अर्थिंग होगी वहां पोटेंशियल जीरो। अच्छा जरा ऐसे ही एक और सवाल देखो खूबसूरत का, कुछ कुछ ऐसे ही टॉपिक का है वो भी, मान लो यहां पे एक शेल है, अब यहां से तुम्हारा एक नया कंसेप्ट बनने वाला है ठीक है, और यहां एक शेल है, इस शेल का रेडियस मान लो r, इस शेल का रेडियस मान लो तुम्हारा 2r, इस पे चार्ज है q या 2q मान लो, और इस पे चार्ज है मान लो 7q, ठीक है,
दो शेल्स हैं ए एंड बी, चार्ज 2q, चार्ज 7q, रेडियस r 2r। हमने क्या किया कि एक तार उठाया बिजली का, और बिजली का तार उठा के ऐसे यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया। अभी ओपन है सर्किट, अभी सर्किट ओपन था, हमने खटाक से ये सर्किट क्लोज कर दिया, यानी जोड़ दिया, मतलब टू शेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। कनेक्ट करने से क्या होगा, कनेक्ट करने से ये होगा कि चार्ज फ्लो कर सकता है। भाई किसी भी दो चीज़ में तुम तार जोड़ दोगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करने लगेगा, अगर दोनों में चार्ज है तो। चार्ज फ्लो वो किया, हमसे पूछा फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन शेल ए एंड शेल बी। सोच के करना, बढ़िया सवाल है, अच्छे लेवल का सवाल है, सोच के करना, सोच के दिमाग लगा के। फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन शेल ए एंड शेल बी, हो गया। अच्छा, दोनों को कनेक्ट करने के बाद होगा क्या, दोनों को कनेक्ट करने के बाद ये होगा कि चार्ज फ्लो करेगा, कहां से कहां करेगा पता नहीं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं पता, कब तक फ्लो करेगा चार्ज, किन्हीं दो बॉडीज के बीच में चार्ज कब तक फ्लो होता है, और चार्ज क्यों फ्लो होता है ये भी बात कर लो। दो बॉडीज के बीच में चार्ज इसलिए फ्लो होता है अगर उनके बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल हो, है ना। चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लिखना हो तो लिख लो, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल में जाता है और नेगेटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल में जाता है। अच्छा क्यों जा रहा है, अरे चार्ज इसलिए फ्लो करता है ताकि दोनों तरफ का पोटेंशियल बराबर हो जाए, चार्ज फ्लो करना बंद कर दिया। अरे इसको नहीं बचपन में टीचर समझाता था कि इधर हमने पानी एक एक टंकी में पानी थोड़ा ज़्यादा हाइट तक रखा, एक टंकी में कम हाइट तक रखा, फिर दोनों टंकी को जोड़ दिया, पता नहीं कैसे जोड़ते थे दो टंकी को, ऐसे कहते थे पाइप लगा के जोड़ दिया, तो क्या होगा जिस टंकी में ज़्यादा पानी है उससे पानी गिरता हुआ किस में आ जाएगा, छोटे वाली टंकी में, और ऐसा समय आएगा जब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, है ना, ऐसे ही पढ़ाते थे ना बचपन में। तो वैसे ही चार्ज की भी कहानी है कि जिसमें पोटेंशियल ज़्यादा है वहाँ से जिसमें पोटेंशियल कम है उसमें चार्ज फ्लो करता जाएगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो मतलब फाइनली कहानी ये होनी चाहिए कि चार्ज फ्लो करते करते पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ बी शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ ए, ऐसे लिख लो, पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ ए शुड बी इक्वल, चार्ज वगैरह फ्लो कर रहा है सबका मकसद क्या है, मकसद है पोटेंशियल को बराबर करना। जैसे मैं बताया ना पानी क्यों फ्लो करता है, है ना, क्यों फ्लो करता है, क्योंकि ऐसे खींच देते हैं हम लोग पानी को इसलिए करते हो ना, पानी पड़ा था ऐसे लाइन खींच देते हो पानी बहने लगता, वो नहीं कुछ भी, पानी क्यों फ्लो करता है क्योंकि एक जगह पानी की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है एक जगह कम, तो ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करते हुए दोनों तरफ पोटेंशियल को बराबर कर लेता है। तो वही चीज़ चार्ज में होगा। तो हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अंदर से बाहर कुछ चार्ज गया जितना तुम्हारा मन हो, हमने कहा स्मॉल चार्ज क्यों, अंदर से बाहर चला गया, अंदर से बाहर चला गया, गया चार्ज। अच्छा जाने के बाद अंदर कितना चार्ज बचेगा, जाने के बाद यहाँ बनाते हैं, जाने के बाद करेगा, जाने नहीं देंगे तुम्हें, जाने तुम्हें देंगे नहीं, ये कहानी हो जाएगी बोलो। जाने के बाद यहाँ चार्ज कम हो जाएगा 2q-q और बाहर बढ़ जाएगा 7q+q। चलो पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ ए दो वजह से होगा, एक ए की वजह से एक बी की वजह से, अब लिख नहीं रहे, ए की वजह से बताओ कितना होगा, के 2q-q अपॉन, बताओ ए की वजह से ये पॉइंट कहाँ है ऑन दी सरफेस ऑफ ए, ए की वजह से पॉइंट कहाँ है सरफेस पे, तो चार्ज अपॉन रेडियस प्लस ए पे ही पोटेंशियल होगा ड्यू टू बी, बी के लिए ए का पॉइंट कैसा होगा इनसाइड पॉइंट, तो के इंटू चार्ज कितना है 7q+q अपॉन रेडियस ऑफ बी कितना 2r। बोलो इतना समझ में आया, ए पे पोटेंशियल इसकी वजह से होगा के 2q- यहाँ से, वहाँ से मत देखो, यहाँ से देखो, तो ए की वजह से ही ए के सरफेस पे के 2q-q/r और बी के लिए इनसाइड पॉइंट तो के इंटू 7q+q अपॉन 2r। इधर से बी की बात करें तो बी पे पोटेंशियल बी की वजह से कितना होगा के 7q+q अपॉन रेडियस और बी पे पोटेंशियल ए की वजह से, ए के लिए आउटसाइड पॉइंट तो के 2q-q अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस कितना 2r। बोलो समझ में आ रहा है,
बी पे पोटेंशियल दो चीजों की वजह से होगा, बी की वजह से कितना होगा के इंटू चार्ज अपॉन रेडियस के 7q प्लस क्यू अपॉन 2r, और ए की वजह से बी पे कितना पोटेंशियल होगा के इंटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस, हो जाएगा के आर कैंसिल हो जाएगा 2q माइनस क्यू प्लस 7q प्लस क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 7q प्लस क्यू बाई 2 प्लस 2q माइनस क्यू बाई 2, बोले यही आएगा के आर कैंसिल 2q माइनस क्यू 7q प्लस क्यू बाई 2 7q प्लस क्यू बाई 2 प्लस 2q माइनस क्यू बाई 2। यहाँ देखो ये और ये कैंसिल हो गया, सो 2q माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 2q माइनस क्यू बाई 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल मत कर देना, इसको कैंसिल कर दोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता हो ये टर्म जीरो हो, इसको कैंसिल नहीं करना, तो मैं इसे दोनों तरफ कैंसिल कर, हो सकता हो ये टर्म जीरो आ रहा हो ना, जीरो जीरो कैंसिल नहीं करते ना, 2 इधर ले आओ, 2 इंटू 2q माइनस क्यू इज इक्वल टू 2q माइनस क्यू, तो ये हो गया 4q माइनस 2q इज इक्वल टू 2q माइनस क्यू, यहाँ से इधर जाएगा ये हो जाएगा 2q इज इक्वल टू क्यू, इधर आगे देखो 4q माइनस 2q तो 2q और इधर जाके प्लस 2q माइनस क्यू क्यू, मिल गया। तो यहाँ से यहाँ कितना चार्ज फ्लो करेगा 2q, हैं पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा, हाँ पूरा चार्ज फ्लो कर जाएगा। देखो इसको ये सब करने की जगह तुम एक छोटे से कंसेप्ट से समझ सकते थे, बट कराया हमने ताकि अप्रोच आपको समझ में आए। पहले बताओ इतना समझ में आया, इतना नोट करो पहले, इसको समझने का एक बहुत छोटा तरीका भी था, देखो पूरा चार्ज फ्लो कर गया ना, सही आया, एकदम सही आया। सोचने का देखो एक तरीका और है, जैसे मान लो ये एक शेल थी ठीक है, इस पे चार्ज 2q इस पे चार्ज 7q, जैसे ही आप इनको जोड़ दोगे वैसे ही ये एक सिंगल शेल बन जाएगी, भाई जोड़ते ही ये एक ही शेल तो हो गई बाहर वाली, पूरा कनेक्टेड है, ये सारा चार्ज बाहर वाले पे गिन लिया, वही तो किया। अरे हमने आपको ये नहीं पढ़ा, क्या हो रहा है नहीं समझ में आया, हमने आपको ये नहीं पढ़ाया था कि शेल में कोई भी चार्ज दो तो कहाँ पे रहेगा, शेल के सरफेस पे, तो ये सिंगल शेल तो ही हो गई, अरे ये जब ऐसे काटोगे तब दो शेल है ना, ऐसे जोड़ने के बाद तो ये एक ही शेल का पार्ट हो गया, तो इसको तुम 2q दो 5q दो 7q दो 100 कूलम दो, जितना भी चार्ज दोगे फ्लो करके बाहर आ जाएगा, तो जैसे यहाँ पे 6q लिखा होता तो आंसर 6q आता, 10q लिखा होता तो 10q। आपको इस पे भरोसा नहीं है तो आप सॉल्व करो, या सिंपल मैं बता रहा हूँ जितना चार्ज दोगे फ्लो होके कहाँ पे आ जाएगा, ऑन दी सरफेस आ जाएगा, अंदर वाले को जितना भी चार्ज, वरना ये तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई अगर दो कंडक्टर्स को कॉन्टैक्ट में रखोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये बात समझ लो, आगे कैपेसिटर में भी अप्लाई करनी है, ये बात याद रखना, आगे कैपेसिटर में भी लगाएंगे कि अगर दो कंडक्टर को जोड़ोगे तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ये चीज़ याद रखना, चाहो तो लिख लो लाइन की तरह, है ना, वेन एवर वी कनेक्ट एनी टू कंडक्टर्स पोटेंशियल ऑफ बोथ बिकम्स सेम। चलिए तो ये सारी बातें हो गई अर्थिंग की, कनेक्टिंग की, अर्थिंग में पोटेंशियल क्या कर दो जीरो कर दो, कनेक्टिंग में पोटेंशियल बराबर कर दो। अब बात आई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दी सर्फेसेस ऑफ शेल, अब सुनना जो बात करनी है वो कंडक्टिंग शेल्स की करनी है, ठीक है, और जो सवाल भी आ रहे हैं वो कंडक्टिंग शेल पे से आ रहे हैं, कंडक्टिंग शेल्स पे हमें बात करनी है कि कंडक्टिंग शेल के इनर और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ हमारे पास एक शेल है, ठीक है, यहाँ इसके सेंटर पे मान लो हमने क्यू चार्ज दे दिया, अब हमने पूछा इस शेल के इनर सरफेस पे और आउटर सरफेस पे क्या चार्ज डेवलप होगा, कुछ डेवलप होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है, ठीक है, तो हम बात करेंगे थिन कंडक्टिंग शेल्स की और उसके अंदर किस चीज की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी ना तभी स्टार्ट करना जब अर्थिंग की कहानी सारी खेल चुके हो, ठीक है, मतलब ये नहीं कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, पहले अर्थिंग वाली कनेक्टिविटी वाली सारी चीज़ें कर लो, किसी सवाल में अगर दोनों चीज़ें तो अभी करके दिखाएंगे, मतलब पहले वो सब कर लो तब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना, ये नहीं कि पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर पोटेंशियल निकाल रहे हैं, नहीं, ये एकदम लास्ट स्टेप होगा सवाल का। अब हमने कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो पहली बात तो ये समझो कि ये शेल ऐसी नहीं दिखती होगी, ये शेल असल में ऐसी दिखती होगी,
ये क्या किया आपने? अरे थिन है ना, जीरो थोड़ी ना है, थिन है, तो कुछ ना कुछ तो इसका भाई थिकनेस होगा। उस थिकनेस को हमने यहाँ इग्नोर कर दिया है ना, यहाँ पे हम इस थिकनेस को दिखा रहे हैं। समझे बात को, कि बहुत ही पतली थी तो उस चीज को हम दिखा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, आपको एक लाइन रटनी है यहाँ पे, पहले भी हमने बताई हुई है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, बताइए, बिल्कुल बताइए, इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब चार्ज मूव नहीं कर रहा हो, तो यहां पे भी चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाते वक्त भी ये बात बताई थी, कंडक्टर के अंदर मतलब यहां अंदर जीरो हो ऐसा नहीं कह रहे हम, यहां अंदर जीरो ऐसा हम नहीं कह रहे, अगर चार्ज अंदर रख दोगे तो यहां जीरो नहीं होगी। अब ये मत कहना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर हम पढ़ के आए थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नहीं वो नहीं कर सकते। बोलोगे क्यों नहीं कर सकते सर, वो हम इसलिए नहीं कह सकते बच्चों, क्योंकि जब आप वो टॉपिक पढ़ रहे थे तो चार्ज हमने कभी सेंटर में नहीं रखा था, चार्ज हमने तब स्फीयर को दिया था, शेल को दिया था, तब हम बोल रहे थे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम ये नहीं कह रहे कि यहां अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेरी बात अच्छे समझो फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो का मतलब ये नहीं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब कंडक्टर के मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इनसाइड अ कंडक्टर का मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मटेरियल ये है ना, मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहां जीरो हो इसकी कोई नेसेसिटी नहीं, यहां तब जीरो होती थी जब हम चार्ज इसके सरफेस पे देते थे, सेंटर पे चार्ज नहीं रखते थे, जैसे कि पिछले कई टॉपिक्स करते आए, पर आज हमने चार्ज उठा के इसके सेंटर पे रख दिया है। अब क्या करें, अब ये कह रहे हैं कि भाई साहब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना सरफेस पे, क्या किया जाए, क्या किया जाए, एक गॉसियन सरफेस बना लेते हैं ऐसे, कट 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 कट, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस डेवलप किया, समझो लॉजिक समझो, बार बार नहीं बनाएंगे, एक बार हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया। अब आप एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, क्यों, बिकॉज दिस सरफेस इज इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जीरो जरूरी नहीं, यहां जीरो जरूरी नहीं, यहां जरूर जीरो होगी इनसाइड द मटेरियल, यहां भी जीरो हो सकती है अगर चार्ज सरफेस पे देते, बट इस केस में नहीं ऐसा, अभी चार्ज अंदर डाल दिया। तो हमने बोला कि आपने ये डेवलप किया गॉसियन सरफेस और बोला मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब सुनो, अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब क्यों इनसाइड जीरो आना चाहिए, गॉस लॉ में पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था कि अगर क्यों इनसाइड जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मतलब इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी इस सरफेस की। याद है कैसे निकलेगा, यहां पूरा आप इंटीग्रेशन करोगे e डॉट da, तो आएगा e इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अभी की वैल्यू जीरो मतलब q इनसाइड की वैल्यू भी जीरो। कैसे होगा, यहां आपने q दिया है तो इस सरफेस पे माइनस q डेवलप कर दो। अब देखो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो, यानी यहां चार्ज q तो यहां चार्ज माइनस q। बोलो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन खत्म, नहीं अभी नहीं खत्म हुआ, इस सरफेस के साथ अन्याय हो गया। इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था, इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था, यहां आ जाओ, इस सरफेस पे शुरू में कितना चार्ज था, जीरो, तो बाद में भी जीरो रहेगा, तो आपने अंदर माइनस क्यू दिया है तो बाहर की तरफ प्लस क्यू दे दो। इस सरफेस पे टोटल चार्ज अभी भी कितना है, जीरो, इनर पे माइनस क्यू बाहर पे प्लस क्यू। ये दो लॉजिक पकड़ लो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखो तो कुछ चार्ज में भी कुछ गलती हुई नहीं, ओवरऑल टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल, एक क्यू वहां भी एक क्यू था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नहीं वायलेट हुआ है, कोई नया चार्ज नहीं बनाया हमने, बस हमारी पूरी कहानी सही हो जाए इसलिए हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया। कहानी में सिर्फ दो पात्र है, पहला पात्र इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इसका मतलब मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं हो सकती, तो हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया, हमने कहा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आनी, तो इसके अंदर क्यू इनसाइड जीरो करना है, तो यहां क्यू तो यहां माइनस क्यू। दूसरा पॉइंट क्या है,
कि किसी सरफेस पे जितना चार्ज दिया हो बाद में भी उतना ही रहेगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज दिया था जीरो तो बाद में भी जीरो होना चाहिए, तो अंदर माइनस क्यू तो बाहर प्लस क्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से यहां होंगी, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर नहीं होगी बस इनसाइड द मटेरियल। प्लस क्यू से माइनस क्यू तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर है, मिटा दें, ये मिटा दें। चलो एक और सवाल करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर अभी मिलाएंगे सबको, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस अर्थिंग का सवाल बनाएंगे, ठीक है। मान लो यहां चार्ज q दिया है, यहां चार्ज 2q दिया है पहले से, ठीक है, इस पे q चार्ज है, इस पे 2q चार्ज है। अब हमसे कहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करिए, चलो भाई तो ऐसे ऐसे, थोड़ी देर बाद ये चीज करना हम लोग बंद कर देंगे। यहां चार्ज q है, यहां गॉसियन सरफेस बनाओगे, तुम बोलोगे इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना हो, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए, मटेरियल ऑफ कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर चार्ज जीरो, यहां क्यू तो यहां माइनस क्यू। अब सुनो, अब इस सरफेस पे टोटल चार्ज है कितना, जीरो, टू क्यू, उसमें से इधर कितना दिया माइनस क्यू, तो इधर कितना आ जाएगा थ्री क्यू। अब समझ गए, इस सरफेस पे टोटल चार्ज सवाल में 2q दिया था तो बाद में भी 2q आना चाहिए, आपने अंदर माइनस क्यू इंट्रोड्यूस किया तो बाहर 3q इंट्रोड्यूस करो ताकि जोड़ने पे 2q आ जाए। अंदर माइनस क्यू क्यों डाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल ऑफ कंडक्टर शुड बी जीरो, आपने गॉसियन सरफेस बनाया, आपने कहा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो क्यू इनसाइड जीरो तो क्यू तो माइनस क्यू। क्लियर हो गया एकदम 100%। एक सवाल और दूं, हलवा एकदम। चलो एक सवाल और, कुचुक कुचुक कॉन्सेंट्रिक शेल्स, दोनों कंडक्टिंग, बोथ कंडक्टिंग, ठीक है, बोथ आर कंडक्टिंग, q माइनस टू क्यू थ्री क्यू। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करो अब इनका, चलो अपने आप करके दिखाओ, चलो करके दिखाओ, पॉज करके। अब मैं नहीं बना रहा, ठीक है, अब मैं सीधा बात करूंगा। चलो यहां पे q है, यहां कितना हो जाएगा माइनस q, भाई एक्स पे अगर एक तुम ऐसे अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाओ तो अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए, इस सरफेस पे चार्ज है कितना माइनस टू क्यू, अंदर कितना दे दिया माइनस क्यू, तो बाहर कितना बचेगा माइनस क्यू। ये याद रखना, जैसे इस सरफेस पर टोटल चार्ज टू क्यू था, अंदर माइनस क्यू तो बाहर थ्री क्यू, इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है माइनस टू क्यू है, तो अंदर माइनस क्यू बाहर माइनस क्यू। अब सुनो, अब इसकी बात करो तो ये भी कंडक्टर है, इसमें भी तुम डॉट 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 गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसके अंदर भी क्यू इनसाइड क्या आना चाहिए जीरो। भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, पर इसको कैंसिल करने के लिए यहां पे प्लस क्यू नहीं देना पड़ेगा है? ये बड़ा वाला जो स्फीयर है, ये बड़ा वाला जो शेल है, इसके अंदर भी डॉट 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 बनाओगे गॉसियन सरफेस, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए मटेरियल ऑफ कंडक्टर में, यानी इसके अंदर भी नेट चार्ज जीरो आना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया खचक खचक, पर ये माइनस क्यू कैंसिल करने के लिए यहां पे प्लस क्यू और इंड्यूस किया। अब बाहर वाले पे है चार्ज कितना 3q, टोटल चार्ज है कितना 3q, कितना दे दिया q, कितना बचा 2q। क्लियर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया 100%। पक्के से एक करके दिखाओ अपने आप, करेंगे करेंगे। चलो एक मैं दे रहा हूं करके दिखाइए, लास्ट सवाल, ठीक है, फिर मिलाते हैं दोनों को। चलो यहां चार्ज q दिया, यहां चार्ज माइनस थ्री क्यू दिया, यहां चार्ज टू क्यू दिया, यहां चार्ज q दिया। चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ, अंदर q माइनस थ्री क्यू टू क्यू क्यू, पॉज करके जल्दी से एकदम खचाक से करके दिखाएगा। चलो ट्यू ट्यू ट्यू, ठीक है, यहां q तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू, अब ऊपर इसके माइनस थ्री क्यू है, अंदर माइनस क्यू गया तो बाहर आएगा माइनस टू क्यू, यहां माइनस टू क्यू तो इस तरफ प्लस टू क्यू, इस सरफेस पे टोटल चार्ज था टू क्यू, प्लस टू क्यू आ चुका है तो यहां पे हो जाएगा जीरो, यहां पे हो जाएगा जीरो, इस सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है क्यू तो रहेगा क्यू। बोलो यही किया है, अगर यही किया है तो सही किया है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां चार्ज क्यू है तो यहां आ गया माइनस क्यू, इस पे टोटल चार्ज कितना था माइनस थ्री क्यू, तो इधर माइनस क्यू तो इधर माइनस टू क्यू, अब इसके अंदर भी टोटल चार्ज जीरो होना चाहिए, ये कैंसिल, तो माइनस टू क्यू सामने प्लस टू क्यू, इस सरफेस पर टोटल चार्ज कितना है टू क्यू, पूरा का पूरा एक तरफ आ गया तो इस तरफ जीरो, इस तरफ जीरो तो यहाँ भी सामने जीरो, इसके अंदर टोटल चार्ज देखो जीरो आना चाहिए, टू क्यू कैंसिल क्यू कैंसिल, यहाँ जीरो टोटल चार्ज क्यू है तो बाहर क्यू लगा दिया जीरो और क्यू। क्लियर हो गई, ये मत कहना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मटीरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है,
अंदर जीरो है इसकी कोई बात नहीं हो रही, मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं घुसेगी। अब देखो एक सवाल ले रहे हैं जिसमें हम अर्थिंग भी करेंगे और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछेंगे, तो पहले अर्थिंग वाले पार्ट को सॉल्व कर लो उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना, वरना जान निकल जाएगी। सही तो तब भी होगा बट जान निकल जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे तीन शेल्स हैं, कंसेंट्रिक शेल का आखिरी सवाल आज का, हमारे पास तीन शेल्स हैं, वही नाम पुराना ए बी सी, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस 2R और इसका रेडियस 3R। इस पे चार्ज हमसे बोला Q है, इस पे चार्ज बोला 2Q है और इसको बोला अर्थिंग कर दी। ठीक है, हमसे कहा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच सरफेस ऑफ शेल बताइए। इफ वी हैव थ्री कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, B is earthed, show charge distribution on surfaces of each shell। चलिए try करिए, चलिए try करें इसको खुद से। Q बीच वाले पे कोई चार्ज नहीं, लास्ट वाले पे चार्ज 2Q और इसको अर्थ कर दिया R 2R 3R। ट्राई करें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पहले अर्थिंग वाला, तो B के ऊपर कितना पोटेंशियल होना चाहिए, B के ऊपर पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। B में पोटेंशियल किसकी किसकी वजह से होगा, A की वजह से, B की वजह से और C की वजह से। A के लिए देखो तो B वाला पॉइंट या B के सरफेस का पॉइंट, A के लिए आउटसाइड पॉइंट है तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस, B के लिए B वाला पॉइंट सरफेस का ही पॉइंट हो गया तो K चार्ज कितना है B के ऊपर, तो B के ऊपर चार्ज मान लेते हैं कैपिटल Q, लेट चार्ज ऑन B बी कैपिटल Q, तो K Q अपॉन रेडियस। और C के लिए B वाला पॉइंट इनसाइड पॉइंट हो गया, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा जितना C के सरफेस पे है, K 2Q अपॉन C का रेडियस 3R इज इक्वल्स टू 0। यहां से kr kr कैंसिल, q by 2 कैपिटल q by 2 2q by 3 is equals to 0। यहां से q by 2 is equals to -2 q by 3 minus q by 2, lcm हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -4q, ये हो जाएगा -3q, so q by 2 is equals to -7q by 6 divided by 2 to 6, so q is equals to -7q by, तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा -7q/3। जरा देख लो k³/2 आर आउटसाइड पॉइंट, k³/2 आर सरफेस पॉइंट, k²/3 आर इनसाइड पॉइंट। क्या क्या करूं, k²/2 इज इक्वल्स टू -2q/3 -2q/2 एलसीएम हो गया 6, 2 4 3 5 7। ठीक है, हो गया ये काम। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं, इतना नोट कर लो। चार्ज मिल गया ना B के ऊपर सिंपल पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू 0 करके, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करो। तो इसी सवाल को तुमने दो पार्ट में तोड़ दिया, पहले अर्थिंग वाला खेल खेल लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो आसानी है आपके लिए इसके बाद, अरे फ्रैक्शन में ही तो वैल्यू है क्या दिक्कत है। चलो शुरू करते हैं, पहले वाले के अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज होगा, अच्छा यहाँ अंदर कोई चार्ज है नहीं है, तो अगर यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस बनाए तो उसके अंदर चार्ज जीरो आना चाहिए, ऑलरेडी जीरो है, और यहाँ गॉसियन सरफेस बनाओ अंदर चार्ज जीरो आना चाहिए, ऑलरेडी जीरो है, तो यहाँ चार्ज कितना रह जाएगा क्यू और इस तरफ जीरो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ अंदर चार्ज होता तो यहाँ चार्ज लगाना पड़ता, अंदर कोई चार्ज ही नहीं, जीरो आ रहा। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर गॉसियन सरफेस बनाए इसके मटेरियल के अंदर तो उसके अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए, यहां क्यू है तो यहां -q। अब इसके सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, -7q/3, कितना चला गया -q, तो यहां कितना होगा एक्स मान लो, तो एक्स और -q को जोड़े तो -7q/3 आना चाहिए, इसके ऊपर टोटल चार्ज -7q/3 है, तो x हो जाएगा q -7q/3, 3q -7q -4q/3, तो यहां चार्ज हो गया -4q/3। जरा जोड़ो इसके आउटर में, ये जरा इसको जोड़ो तो -7q/3। अब यहां पे अगर तुम ऐसे गॉसियन सरफेस बनाओ तो उसके अंदर चार्ज जीरो होना चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, पर इसको कैंसिल करने के लिए यहां पे +4q/3। अब इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 2q है,
उसमें से 4q by 3 अंदर हो गया, तो 2q minus 4q by 3 6q minus 4q 2q by 3 चार्ज बाहर हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जरा टोटल चार्ज यहां पे जोड़ के देख लो, 4 2 6 / 3 2, टोटल चार्ज जोड़ के देख लो 4 / 3 माइनस हो जाएगा माइनस 7 / 3 सही बोलो आ गया। तो यही स्ट्रेटजी इसमें लगानी थी, अगर पहले ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ऐसे फिर पोटेंशियल ऑन बी निकालते तो बी में पोटेंशियल इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी कितने डे सारे चार्ज जाते हैं। बी पोटेंशियल तब कई चार्ज की वजह से निकालना पड़ता है, यहां से 3 की वजह से। तो यहीं पे इस लेक्चर करते हैं समाप्त। अगला लेक्चर बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा लेक्चर धीमे हुए हैं, 1-2 दिन में अभी फिर से स्पीड पकड़ लेंगे। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।